श्रीमान इनसे श्रेष्ठ स्थिति आवश्यक है। परमात्मा के प्रति दिल का सच्चा प्यार बढ़ते रहना। हम प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना ये हमारा धर्म और कर्म है। लेकिन सबके साथ प्यार से रहते हुए दिल का सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ ही हो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हम सभी फकीर है, बेघर है। इस शरीर रूपी मकान भी हमने किराए से लिया है प्रकृति से। बेघर माना बेघर, घर भी नहीं है हमारे पास, किराए का लिया है। केवल हमारे पास दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है बच्चे। वो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी हमें बाबा को सौंपना है, क्योंकि बाबा प्यार के सौदागर हैं, पक्के सौदागर हैं। जितना हम बाबा के साथ प्यार करते हैं उतना ही बाबा हमसे प्यार करते हैं। जब हम बाबा को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठाते हैं और उस दिल रूपी तख्त पर तीसरा अगर कोई बैठ जाता है तो बाबा उतर जाते हैं। बाबा ने कहा आपके तीसरे नेत्र में बाबा और मैं हूं, मैं आत्मा और बाबा दो। लेकिन तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद करेगा। इसलिए हमें सच्चा प्यार केवल एक बाप के साथ करना है। अपना दिल का सच्चा प्यार किसी व्यक्ति वैभव के साथ जो शेयर करते हैं, जो अपने दिल का सच्चा प्यार किसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, वो शेर की तरह इस माया के जंगल में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे दिल का सच्चा प्यार का सौदा केवल एक बाप के साथ करना है, क्योंकि प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में जो हजारों मीलों की दूरी है, आमने सामने मुलाकात की अनुमति कराता है, कंबाइंड स्थिति की अनुमति कराता है। इसलिए जब बाबा से सच्चा दिल का प्यार बढ़ने लगता है, लंबे समय तक बाबा के साथ परम धाम में हम बैठे रहते हैं, और जितना लंबा समय तक बाबा के साथ बैठते हैं उतनी बाबा से शक्तियां लेते ही रहते हैं, जिससे हमारी स्थिति परिपक्व बनती जाती है। इसलिए कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः जुड़ जाती है। जैसा प्यार वैसे बुद्धि के तार जुटी रहती हैं, हमारी तार बुद्धि की जुटी रहती हैं। यही परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, ऊंचते उच्च परम धाम में बिठा देता है।